2 साल से ज्यादा वक्त से पंजाब की रोपर जेल में बंद माओ से भाजपा विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर अपने पति की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की गुहार लगाई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने उत्तर प्रदेश लाते समय पति के फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई है। इसी के साथ अफसान ने मुख्तार अंसारी की जान को बीजेपी नेताओं से भी खतरा बताया है। अफसान ने अपने पति मुख्तार का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि मुख्तार एक मामले में चश्मदीद गवाह हैं। इस मामले में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य माफिया ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह अभियुक्त हैं। अफसान ने आरोप लगाए हैं कि दोनों अभियुक्त सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल कर मुख्तार को मरवाने की धमकी दे रहे हैं। पत्र में लिखा है कि इससे पहले कुछ अधिकारियों द्वारा भी उन्हें धमकी दी गई है। इसके चलते मुख्तार का परिवार उनके जीवन की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। अगर बिना सुरक्षा के अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा तो जरूर कोई झूठी कहानी बनाकर उसकी हत्या कर दी जाएगी। पत्र में राष्ट्रपति से मुख्तार अंसारी के लाइफ प्रोटेक्शन का आदेश जारी करने की गुहार लगाई है। दरअसल हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर पंजाब की रोपड़ जेल से बांद्रा जेल भेजने के आदेश दिए हैं। ऐसे में पत्नी ने आशंका जताई है कि पंजाब से यूपी लाते वक्त रास्ते में फर्जी एनकाउंटर में मुख्तार अंसारी को मारा जा सकता है। आपको बता दें, बाहुबली विधायक और यूपी पंजाब सरकारों के बीच लंबे समय से तल्ख हालात पैदा करने के लिए चर्चाओं में रहा मुख्तार अंसारी बुधवार को पंजाब की मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी के चारों ओर पंजाब पुलिस का कड़ा पहरा था। मुख्तार को पुलिसकर्मी एक व्हील चेयर पर बैठा कर अदालत परिसर में ले गए थे। अदालत में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी शारीरिक रूप से बेसुध सा दिखाई पड़ रहा था। जिस मामले में उसे मोहाली कोर्ट में बुधवार को पेश किया गया, अब उस मामले पर अगली सुनवाई 12 अप्रैल 2021 को होने वाली है। न्यूज डेस्क।